लर्निंग सिविल में सिविल इंजीनियर अजित राउत में आपका स्वागत कर रहा हूँ। आज का टॉपिक से ब्रिक्स, अभी हम ब्रिक्स के बारे में आज पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देखो अभी क्या पढ़ेंगे हम आज, मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रिक। ब्रिक को मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है और कौन से स्टेप है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ, फिर आप हम उसे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ क्ले और ब्रिकर, इसे ब्रिकर भी कहा जाता है। और सेकंड देखिए क्या है, मोल्डिंग है। और थर्ड है फ्रॉक, फिर ड्राइंग, और फ्री सबसे लास्ट आता है वो बर्निंग प्रोसेस आता है। अभी देखो यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ क्ले में हम क्या करेंगे, तो उसमें आता है डिगिंग करना है हमें, जो सरफेस है उसे क्लीन करना है, और उसके अंदर जो ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज है उसे हमें रिमूव करना है, ठीक है दोस्तों। अभी सेकंड पार्ट देखें, मोल्डिंग। मोल्डिंग यानी क्या, मोल्डिंग का यूज क्या होता है, हमें ब्रिक्स को जिस शेप में देना है, शेप में देने के लिए हमें उसे क्या करना पड़ता है, मोल्डिंग करना पड़ता है। यानी कि मोल्ड यानी वो क्या होता है, एक साचा रहता है, ढांचा साचा रहता है, ठीक है। अभी हमें उसको क्या करना है, जो उसकी साइज रहेगी वो ब्रिक्स के साइज से ज्यादा रहेगी। तो कितनी परसेंट हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ गुड ब्रिक, ठीक है, और उसका कॉम्पोजिशन क्या क्या है और कौन से कॉम्पोजिशन है अभी हम पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहला कॉम्पोजिशन है सिलिका, सेकंड है एल्यूमिना, फिर लाइम, आयरन ऑक्साइड, और लास्ट में आता है मैग्नीशिया। उसका परसेंटेज कितना रहता है ब्रिक्स में मैं आपको बताता हूँ। अभी देखो यहाँ पे सिलिका का परसेंटेज कितना रहता है ब्रिक्स में, 50-60%। सिलिका का यूज क्या क्या होता है ब्रिक्स के लिए, ठीक है, मैं अभी बताता हूँ। देखो सिलिका का यूज कहाँ पे होता है, जहाँ पे हमें श्रिंकेज और क्रैकिंग को प्रिवेंट करना है उसके लिए सिलिका का यूज होता है। और अगर एक्सेस सिलिका हुआ तो क्या हो सकता है, जो हमारे ब्रिक्स है वो यूजलेस हो जाएगी, ठीक है, यूजलेस यानी वो किसी काम की नहीं रहेगी, ठीक है। अभी सेकंड पार्ट देखिए कौन सा है, एल्यूमिना। एल्यूमिना का परसेंटेज कितना है, 20-30%, ठीक है, परसेंटेज कितना है, 20-30। और एल्यूमिना का यूज क्या क्या है, हमें ब्रिक्स को जो मोल्ड रहता है उसको कौन सा शेप देना है, जो शेप देने के लिए जो चाहिए उसे हम क्या कहते हैं, एल्यूमिना का यूज करते हैं। एल्यूमिना के यूज के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, ब्रिक्स को हम जो प्रॉपर शेप देना है वो ठीक से हो सकता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो थर्ड है लाइम। लाइम का परसेंटेज कितना है, 4-5%, ठीक, कितना, 4-5%। और लाइम का यूज क्या है, यहाँ पे भी सेम यूज है, हम लाइम को लाइम के हिसाब से क्या कर सकते हैं, जो श्रिंकेज और क्रैकिंग है उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर लाइम ज्यादा हुआ तो क्या होगा, ब्रिक्स यूजलेस हो जाएगा, ठीक है, और ज्यादा क्रैक्स पड़ जाएंगे तो हमें उसका यूज ही नहीं होगा। अभी यहाँ पे देखो आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया का नियरली यूज जो होता है वो सेम ही रहता है। अभी आयरन का परसेंटेज कितना है, 5-6%, कितना, 5-6%। और आयरन का यूज कहाँ पे होता है, जहाँ पे हमें हार्डनेस चाहिए, हार्डनेस जो ब्रिक्स को हार्डनेस बनाना है, और स्ट्रेंथ जहाँ पे चाहिए हम कहाँ पे, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया का यूज करते हैं। और आयरन ऑक्साइड का अनदर एक यूज भी होता है, जो हमें कलर के लिए यूज होता है उसे हम आयरन ऑक्साइड से यूज होता है, और मैग्नीशिया का भी यूज हम कलर के लिए करते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स यानी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, वो कौन से क्लास में ब्रिक्स है और कैसे डिवाइड किया जाता है, उसकी स्ट्रेंथ कैसे होती है, ठीक है, वो हम अभी पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहले देखो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और जावा ब्रिक्स, मैंने यहाँ पे आपको चार टाइप बताने जा रहा हूँ, अभी आप ध्यान से सुनिए, चार टाइप्स, उसको क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है। अभी हम सबसे पहले देखेंगे वाटर अब्जॉर्प्शन, कौन से ब्रिक्स का, कौन से क्लास का कितना है। सबसे पहले देखो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का वाटर अब्जॉर्प्शन नॉट ग्रेटर देन 20% बाय इट्स वेट, जो ब्रिक्स का वेट रहेगा उसके 20% से ज्यादा वाटर अब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी सेकंड क्लास का देखिए, सेकंड क्लास का वाटर अब्जॉर्प्शन कितना नहीं होना चाहिए, नॉट ग्रेटर देन 22% बाय इट्स वेट, ठीक है। और थर्ड क्लास का देखिए, वाटर अब्जॉर्प्शन नॉट ग्रेटर देन 25% इतना होना चाहिए। और जो धामा ब्रिक्स रहता है उसका हिसाब कुछ नहीं होता, जो ओवरबर्न ब्रिक होता है यानी कि पूरा जला हुआ कुछ काम का नहीं होता उसे हम धामा ब्रिक्स कहते हैं। अभी देखो हम देखेंगे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, कौन से क्लास का कितना कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है, ठीक है। अभी देखो फर्स्ट क्लास ब्रिक का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ नॉट लेस देन, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, नॉट लेस देन 150 kg/cm², ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने लिख के भी दिया है, नॉट लेस देन 150 kg/cm². अभी सेकंड है देखो, सेकंड क्लास ब्रिक का वाटर अब्जॉर्प्शन अभी हमने देख लिया कितना है, 22%। अभी देखेंगे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ देखो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, नॉट लेस देन 75 kg/cm². और लास्ट आता है थर्ड क्लास का कितना है, नॉट लेस देन 35 kg/cm². धामा ब्रिक्स यहाँ पे कुछ नहीं रहता है, जो ओवरब्रन होता है उसे हम धामा ब्रिक्स कहते हैं। और इनका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, अभी देखो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का यूज जनरली हमें जो मेन कंस्ट्रक्शन रहता है और परमानेंट जो स्ट्रक्चर रहते हैं वहां पे हम फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास ब्रिक यूज करते हैं। अभी यहाँ पे देखो थर्ड क्लास ब्रिक जो रहता है, थर्ड क्लास ब्रिक्स यानी क्या, जहाँ पे किसे कहा जाता है हमें,
जहाँ पे वो टेम्पररी स्ट्रक्चर रहेगा, जाके हमें जो परमानेंट नहीं रहेगा। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, जो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में नहीं बैठता उसे हम थर्ड क्लास कहते हैं, जो टेम्पररी स्ट्रक्चर रहता है। और जावा ब्रिक्स जनरली हम कहाँ पे यूज करते हैं, देखो कंपाउंड वॉल जो रहता है वहाँ पे हम जावा ब्रिक्स और थर्ड क्लास ब्रिक को यूज करते हैं।